फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज का टॉपिक है और जो आपको यहाँ दिख रहा है मुझे फिंगरप्रिंट लॉक कैसे सेट करते हैं वो बताऊंगी। और फ्रेंड्स, मेरे पास है एलजी का फ़ोन। और फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। फ्रेंड्स, सही शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको उस प्रकाश इंटरफेस आएगा और उसके बाद आपको यहाँ देखिएगा सिक्योरिटी का ऑप्शन, आप उस पर क्लिक कर देंगे। सिक्योरिटी पर क्लिक करने के बाद आपका फिंगरप्रिंट पर क्लिक करना है एंड जो भी आपने स्क्रीन लॉक लगा रखे हैं आप उसे ड्रॉ कर देंगे। एंड इसके बाद आपको ऑप्शन आता है फिंगरप्रिंट का और ये इन्फॉर्मेशन है। और इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें तो आपका फिंगरप्रिंट का ऑप्शन जो है, आप नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आता है एंड बैक साइड एक फिंगरप्रिंट है, आप उस पर टच करेंगे। इस प्रकार से बार बार टच करेंगे जब तक ये पूरा ना हो जाए। तो इस प्रकार से मैं टच कर रही देख सकते हैं। तो जब टच करते रहेंगे तो आपका फिंगरप्रिंट लॉक सेट हो जाएगा, देख सकते हैं। तो मेरे में सेट हो रहा है। तो बार बार टच करते जाना है आपको और इसके बाद आपको डन पे क्लिक कर देना है और डन पे क्लिक करते ही आपका फिंगरप्रिंट लॉक सेट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, मुझे कमेंट में कई लोग पूछते हैं कि एक ही फिंगर आप लगा सकते हैं, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कितने भी फिंगर है आपके लगा सकते हैं, जितने भी उंगलियों को लगाना चाहेंगे। एंड जैसे कि आपने इस वाले फिंगर को लगा चुके हैं, आप चाहते हैं दूसरे फिंगर को लगाना चाहते हैं इस फिंगर का, तो फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक कर देंगे ऐड फिंगर पर और इसके बाद आप दोबारा से लगाएंगे दूसरे फिंगर का। तो इस प्रकार से आप जितने भी उंगलियों का लगाना चाहेंगे, जितने भी फिंगर्स का लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं एंड बार बार टच करते जाना है और आपका सेट हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं मैं बार बार टच कर रही हूँ एंड देख सकते हैं होने वाला ही। और इसके बाद आपका जब ये पूरा हो जाएगा तो डन का ऑप्शन आता है, आप उस पर क्लिक कर देंगे, फिर से आपका सेट हो चुका है, दो फिंगरप्रिंट लॉक सेट हो चुका है, यानी कि एक इस फिंगर का एक इस फिंगर का। तो स्क्रीन ऑफ करके फिर देखेंगे सेट हुआ नहीं। यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है स्क्रीन लॉक का, मैं इस वाले फिंगर का लगाती हूँ तो ऑपन हो चुका है। एंड स्क्रीन ऑफ करके फिर मैं दूसरे फिंगर का लगाती हूँ इस प्रकार से एंड यहाँ देख सकते हैं ओपन हो चुका स्क्रीन। तो इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में सेट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से फिंगरप्रिंट लॉक को सेट करते हैं। और फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, तब तक ही नमस्कार।